तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है और ये मेरे पास है खजूर यानी कि डेट्स। तो डेट्स मेरे बड़े ही सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स है। अगर आप हार्ड वैरायटी के यूज़ कर रहे हैं तो उसको सोक करके आपको यूज़ करना होगा, इसलिए आप सॉफ्ट डेट्स ले और उनके बीज निकाल दें। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे आलमंड्स यानी बादाम। अब इसमें जाएगा मिक्स्ड सीड्स, तो ये मेरे पास फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स का मिक्सचर था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी सीड्स है आप उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक डो की तरह कंसिस्टेंसी में तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से कोर्सली ग्राइंड हो चुका है और ये बिल्कुल फाइन नहीं बना है बट बहुत ही अच्छा टेक्सचर का आया है। और ये देखिए अच्छे से एक साथ ये डो की तरह फॉर्म भी हो जा रहा है, यानी कि हमारा मिक्सचर अच्छे से पिस गया है। इसको हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो मिठाई आज हम बना रहे हैं इसमें मैं कोई भी घी, मक्खन, तेल या चीनी, गुड़ किसी का भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। इसमें जाएगा कोको पाउडर और ये मेरे पास है मेल्टेड डार्क चॉकलेट, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी भी डेजर्ट में अगर आप सॉल्ट देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है, स्वीटनेस को बैलेंस करता है। तो सब चीज़ें हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने चॉकलेट डाला था उस चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मसल के एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इस डेज़र्ट में आप चॉकलेट स्किप भी कर सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल नो कुक रेसिपी हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट को आपको मेल्ट करना पड़ता है। तो हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी है। अब एक हम चम्मच या कोई भी मेजरमेंट स्पून ले लेंगे और एक स्पून का हम एक बॉल बना लेंगे। तो आप जितने बड़े या छोटे साइजेस में इनको बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बड़े ही आसानी से ये लड्डू बनके रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और आप इस लड्डू को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाता है ये। तो हमारे चॉकलेट ट्रफल्स बनके बिल्कुल रेडी है और अब बारी है इनको डेकोरेट करने की। तो आप इनको कई तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन मैं आज आपको दो तरीके दिखाऊँगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इनके आउटर साइड में डेसिकेटेड कोकोनट से इसको कोट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप इन डेट्स आलमंड ट्रफल्स को डेसिकेटेड कोकोनट में भी रोल करके सर्व कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर टू, ये मेरे पास है मेल्टेड चॉकलेट। तो मैंने कुछ बॉल्स को डेसिकेटेड कोकोनट में रोल किया था और अब मैं बाकी के बॉल्स को चॉकलेट सिरप में कोट करूंगी। तो ये मेल्टेड डार्क चॉकलेट है, इसमें मैंने इन बॉल्स को डिप कर लिया अच्छे से और ये जब चारों तरफ से कोट हो जाए तो इसको हम अच्छे से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकाल के एक बटर पेपर के ऊपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर रख देंगे और इस तरीके से हम बाकी बॉल्स के साथ भी अच्छे से चॉकलेट सॉस को लपेट देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे बाकी सारे बॉल्स को चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट में लपेट लिया है और इसके ऊपर से हम डालेंगे कुछ स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स यूज़ किया है क्योंकि ये डेट्स एंड आलमंड ट्रफल है। आप इस रेसिपी में कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है। तो आप अपने हिसाब से क्रैनबेरीज या फिर कोई भी बेरीज डाल के बना सकते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स, कोई भी सीड्स डाल के बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और आप इसमें चॉकलेट के जगह पे कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने फ्रिज में रख के आधे से एक घंटे तक जमा लिया था और ये देखिए जो चॉकलेट है वो अच्छे से जम गया है और हमारा चॉकलेट डेट्स एंड आलमंड ट्रफल बन के बिल्कुल रेडी है।
इसको आप फ्रिज में रख के ही स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होता। और आप इसको गिफ्ट रैप करके किसी लव्ड वंस को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको फेस्टिवल्स में बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। तो लीजिए, रेडी है हमारा चॉकलेट ट्रफल्स, जो कि है बिल्कुल हेल्दी, शुगर फ्री। बट अगर आप इसमें चॉकलेट डाल रहे हो तो इसमें हल्का सा शुगर ज़रूर रहेगा, बट अदरवाइज ये रेसिपी बिल्कुल शुगर फ्री हमने बनाया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, एंड लेट्स चेक आउट इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा आया है। तो ये देखिए, इसका अंदर का जो टेक्सचर है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, बिल्कुल एक सार लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इन टेस्टी ट्रफल बॉल्स को, और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे घी। तो घी जो है वो ज़्यादा पिघला हुआ नहीं है, अभी भी जैसा आप देख सकते हैं सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसमें हम ऐड करेंगे जैगरी पाउडर। आप जैगरी पाउडर के जगह पे नॉर्मल गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर सकते हैं। और अब एक विस्क की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तब तक इसको विस्क करेंगे जब तक कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो जैगरी पाउडर और घी को जब आप इस तरीके से फेंटते रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी टेक्सचर का हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और उसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट आपको अभी दिख रहा है। इससे जो बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। अब इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। तो ये कोकोनट पाउडर या फिर फ्लेक की कोकोनट नहीं है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप कोकोनट लिया है, और ये मेरे पास है कैशू नट्स, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मली डाल के पीस लिया था। तो ये कैशू पाउडर है, इससे नारियल का बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके जगह पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो जो मिक्सचर है अभी हल्का ड्राई लग रहा है, तो इसको हल्का सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। दूध बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब जैगरी और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी तो फिर वो अपने आप ही बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो 1/4 कप के लगभग हमने दूध ऐड किया है। अब इस मिक्सचर को हम एक कढ़ाई में डाल के पका लेंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट अगर आप इसको पकाएंगे तो जो जैगरी है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मिक्सचर एक साथ आ जाएगा, और जो कोकोनट का हल्का रॉ फ्लेवर है वो भी चला जाएगा। तो इसको तब तक चला के पकाते रहिए जब तक कि आपको हल्का घी नहीं दिखने लग जाए। जो घी हमने डाला था वो सेपरेट हो जाएगा, और मिक्सचर का जो कलर है वो हल्का चेंज हो चुका है, और देखिए काफ़ी स्मूद और रिच लग रहा है अभी ये। तो जितना जैगरी हमने डाला था वो सारा मेल्ट हो चुका है, और मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। इसको मैंने लगभग 3 मिनट तक कुक किया था। तो हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है, इसको हम लगभग 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे, और 5 मिनट के बाद हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक एल्यूमिनियम का टिन, ये केक का टिन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी छन्नी या फिर कोई और स्क्वायर डिश में इसको सेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगाया है जिससे कि बर्फ़ी नीचे से स्टिक ना हो, और इस बर्फ़ी के मिक्सचर को अच्छे से इसमें डाल के हम फ्लैट कर देंगे ऊपर से। तो आप किसी स्पैटुला की मदद से, या फिर आप कटोरी या प्लेट की मदद से इसको ऊपर से इवन कर दीजिए, जिससे कि ये बर्फ़ी दिखने में भी अच्छी लगे और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ, और प्लेट से मैं सारे एजेस को इवन आउट कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मली घी से ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी केक टिन को। ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉप्ड पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, और अच्छे से ऊपर से भी इसको हम स्टिक कर देंगे ताकि जो पिस्ता है वो बर्फ़ी से अच्छे से स्टिक हो जाए और सेट हो जाए।
और अब इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। तो लगभग 2 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है और जो बटर पेपर हमने डाला था उससे बर्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल गई है, नीचे से बिल्कुल भी चिपकती नहीं है ये। और ये देखिए कितना मज़ेदार बर्फ़ी दिख रहा है। इसको हम एक प्लेट में रख के जैसे आप शेप्स या साइजेस में चाहे वैसे आप काट सकते हैं। आज मैं इनको स्क्वायर शेप्स में काट रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो किसी भी ओकेजन में आप इसको झटपट बना सकते हैं या फिर जब भी मीठा खाने का मन कर रहा हो आप इस कोकोनट बर्फ़ी को इंस्टेंटली रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सामान से हमने इसको बनाया है और ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग टेक्सचर का बर्फ़ी। तो ज़रूर बनाइए इस त्योहारों में इस नारियल और गुड़ की बर्फ़ी को और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें हम डालेंगे प्लेन दही। दही को मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, आप इसके जगह पे वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं या फिर जैगरी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ये कोकोनट ऑयल हेल्दी फैट्स होते हैं इसमें और बेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में ये रेसिपी को बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक विस्क की मदद से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो चीनी हमने डाला है वो पिघल जाए अच्छे से। और ये देखिए जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एक्सट्रैक्ट। आपके पास अगर वनीला एक्सट्रैक्ट ना हो तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक्सट्रैक्ट यूज़ करें। इसको मिला लेंगे। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको वनीला नहीं पसंद है तो। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो इस रेसिपी में आज मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है। इसमें जाएगा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। इसमें जाएगा बिल्कुल ज़रा सा नमक और इन सब चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। तो जो बैटर हम बना रहे हैं इसको ज़्यादा बीट नहीं करें, बस हल्का हल्का तब तक मिला लें जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अब एक स्पैचुला ले लें और इसको अच्छे तरीके से कट एंड फोल्ड करें कम से कम 10 से 12 बार। तो ये जो आटा केक का बैटर है ये ज़्यादा पतला नहीं बनता, इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है लेकिन ज़्यादा पतला नहीं है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक केक टिन लेंगे और उसको मैं ग्रीस कर दूंगी थोड़े से तेल के साथ। तो कोई भी बर्तन ले लें और उसको अच्छे से ग्रीस कर दीजिए ताकि जो केक आप डीमोल्ड करेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। इसके ऊपर मैं एक बटर पेपर लगा दूंगी। इस बटर पेपर को घर पे बनाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो आप आटा को डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और अब इसमें बनाया हुआ हमारा केक का बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए जो बैटर हमने बनाया है ये काफ़ी अच्छा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में, वरना आपका केक इतना स्पॉन्जी नहीं बनेगा, वो डेंस हो जाएगा। इसको अच्छे से एक बार टैप कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसके
ऊपर का जो लेवल है उसको भी अच्छे से स्मूथ कर दिया है। और इसके ऊपर अब मैं गार्निश करूंगी स्लाइस किए हुए बादाम के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे पिस्ता या काजू भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस रेसिपी में सिर्फ आलमंड्स यूज़ किया है, जो कि बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस केक में। तो हमारा केक अब बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड लगाया है और इसको प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। अब बिल्कुल लो फ्लेम में इस केक को हम बेक करेंगे अराउंड 45 to 55 मिनट्स के लिए, जब तक कि ये परफेक्टली बेक नहीं हो जाते। बीच में आप एक बार चेक कर लें, अगर आपका केक रेडी हो चुका है तो आप उसको निकाल के ठंडा कर लें। तो मेरा केक रेडी हो चुका था 50 मिनट्स में। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपको लगभग 40 टू 45 मिनट्स इसको बेक करना है। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको एक चाकू की मदद से साइड से एजेस से निकाल लें, ताकि वो कहीं से भी चिपका बना रहे। और इसको अब हम एक प्लेट में इन्वर्ट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से केक निकल चुका है और बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल फ्लफ़ी बना है, सॉफ्ट बना है, और इसका जो टॉप है वो भी अच्छे से बेक हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, इस आटा केक को बनाने में बहुत ही कम सामान यूज़ होते हैं और खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप इसको सिर्फ एक बार बना के नहीं रह पाएंगे। इस केक में आइसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही खाया जाता है और ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई है। अगर आप ऐसे और मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ आपके साथ एक और नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें घी गरम करेंगे। आप फ्लेम को इस टाइम पे बिल्कुल मीडियम रखिए। घी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे दूध, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। तो मैंने 1 कप दूध डाल दिया। इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, तो ये मैंने 200 ग्राम्स का पैकेट लिया है। ये देखिए, ये पूरा पैकेट हम अब दूध के ऊपर डाल देंगे। रफली 2 कप्स दूध का पाउडर होगा। इसमें अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट शुगर या जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें करना बस इतना है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कोई लम्ब्स नहीं रहे। तो मीडियम फ्लेम में आप इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहिए, ताकि दूध जो है नीचे से जल ना जाए और इसमें जो लम्ब्स है वो बिल्कुल हट जाए। समय के साथ ये जो मिक्सचर है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बनने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। कंटिन्यूसली बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि दूध हमारा नीचे से चिपक नहीं जाए। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। हमारा बर्फी का मिक्सचर बन के रेडी है, ये पैन का साइड छोड़ चुका है। इसको अब हम साइड रख लेते हैं। और मैंने अब यहाँ पे एक बेकिंग टिन लिया है, जिसमें मैं अपना बर्फी को जमाऊंगी। तो आप किसी भी गहरी प्लेट में या किसी भी ट्रे में इस बर्फी को जमा सकते हैं। उसको हल्का हम ग्रीस करेंगे और आधा हिस्सा बर्फी का हम इसमें डालेंगे पहले। तो ये हमारा बर्फी का फर्स्ट लेयर है, जो कि हम नीचे में डालेंगे और उसे हम इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। ये हमारा बर्फी का फर्स्ट लेयर है, जो कि मिल्की वाला लेयर है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर। और सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। इसको अब हम इस मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा सेकंड लेयर जो है वो चॉकलेट का लेयर है, और चॉकलेट का लेयर भी देखिए बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम हमारे फर्स्ट लेयर के ऊपर
इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो हमारा चॉकलेट वाला लेयर इवनली स्प्रेड बस हो चुका है। हमारा बर्फी का लेयर रेडी है। अब हम इसमें गार्निश करेंगे ऊपर से कुछ चॉप किए हुए बादाम से। आप इस टाइम पे पिस्ता, काजू या कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बादाम यूज़ कर रही हूँ जो कि प्लेन बादाम है, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है। और अब हम इस बादाम को अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो लीजिए, हमारा बर्फी रेडी है फ्रिज में सेट होने के लिए। इसको फ्रिज में तब तक सेट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से जम नहीं जाए। तो मैंने इसको करीब करीब 1.5 से 2 घंटे सेट करने के लिए रख दिया था। अब एक चाकू की मदद से हम इसके साइड्स को अच्छे से सेपरेट कर लेंगे और एक प्लेट में बर्फी को निकाल लेंगे। क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था तो ये बर्फी आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और ये लीजिए, हमारा 2 लेयर वाला चॉकलेट एंड मिल्क बर्फी बनके रेडी है। इसके साइड्स में हल्के ट्रिम कर दूंगी ताकि ये शेप में आ जाए। और इसको अब हम स्क्वायर्स में काट लेंगे। ये बर्फी बिल्कुल मॉइस्ट और यम्मी बनता है, बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी ओकेजन में बनाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, हमारा परफेक्ट लेयर्स रेडी हो चुका है चॉकलेट एंड मिल्क बर्फी का। तो सबसे पहले कढ़ाई में हल्का सा पानी डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर आप वेगन है तो आप कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं। और दूध को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो दूध देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको एक बार स्टर कर लेंगे। और इसमें डालेंगे खजूर जो कि मैंने डीसीड कर लिया है, यानी उनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। खजूर आप अच्छी क्वालिटी का लें और इसको साफ़ करके लें ताकि आइसक्रीम में कोई ग्रैन्यूल्स ना रह जाए। खजूर को हम बॉईल किए हुए दूध में ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। इस आइसक्रीम में मैंने स्वीटनेस के लिए खजूर डाला है। अब इसमें हम डालेंगे ओट्स का पाउडर। तो ये जो ओट्स होता है नॉर्मल वाला, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसको अब हम ऐड करेंगे, जिससे कि इस आइसक्रीम में एक अच्छा थिकनेस आएगा और आपको कॉर्नफ्लावर या कोई भी ऐसा थिकनिंग एजेंट नहीं डालना पड़ेगा और ये आइसक्रीम टेस्टी भी बन जाएगी। इसको अच्छे से चला दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 बड़े चम्मच ओट्स के पाउडर को यूज़ किया है। इसको हम अच्छे से चला देंगे और अब इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ये मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है, तो इसके भी हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से चलाना है ताकि जितने भी लम्स आपको दिख रहे हैं वो हट जाए। वैसे तो ये बॉईल करने के बाद लम्स निकल ही जाते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से स्टर भी करते रहिए ताकि जो कोको पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में लगातार चलाते रहना है और इसको कुक करते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये जो मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो ओट्स हमने डाला था उससे जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा गाढ़ा और थिक हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से चलाते रहिए, वरना ये बॉटम से चिपक भी सकता है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे कुछ अनस्वीटेंड
चॉकलेट चिप्स। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल डार्क वाले चॉकलेट चिप्स लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई भी चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर मार्केट से आप डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट इसको तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। आप कंपाउंड भी डाल सकते हैं, और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आइसक्रीम में एक एक्स्ट्रा रिच चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, कुक करते करते लगातार जो मिक्स है वो बहुत थिक होना स्टार्ट हो चुका है, और इसको हम तब तक पकाएंगे कि जब तक ये बहुत अच्छे से थिक नहीं हो जाता। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। फ्लेम को मैंने इस टाइम ऑफ कर दिया है, और इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है, ठंडा होने के बाद ये देखिए इस तरीके से लगेगा। तो मैंने मिक्सचर को आधे घंटे रख दिया था, और ये अच्छा से ठंडा होके बिल्कुल थिक हो चुका है। अब बारी आती है इस मिक्सचर को पीसने की। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी लिया है, उसमें मैंने ये मिक्सचर को डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे ताकि जो जितना भी हमने पार्टिकल्स इसमें डाला है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और ये देखिए, इसको पीसने के बाद ये जो आइसक्रीम का मिक्सचर है बिल्कुल थिक, क्रीमी और स्मूथ लगेगा। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ऑलरेडी ये देखने में। तो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पे एक लोफ पैन लूँगी, आप कोई भी टिफ़िन ले सकते हैं जिसमें आपको आइसक्रीम जमाना है, और ये जो सिल्की स्मूथ टेक्सचर आया है इससे आइसक्रीम हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनने वाला है। तो ये देखिए, आइसक्रीम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। तो मैं डेकोरेट करूँगी कुछ चॉकलेट चिप्स के साथ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आप, या फिर चॉकलेट को चॉप करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम एक एल्युमिनियम फॉयल से रैप करके अच्छे से कवर कर देंगे ताकि कोई आइस क्रिस्टल्स ना जम जाए। अगर आप टिफ़िन यूज़ कर रहे हैं तो आप टिफ़िन का ढक्कन सीधा लगा सकते हैं, और इसको चारों तरफ से अच्छे से हम सील कर देंगे, और इसको हम फ्रिज में ओवरनाइट सेट होने देंगे। ये आइसक्रीम 8 घंटा से सेट हो रहा था, और ये देखिए, इसको अब रिवील करने का टाइम आ चुका है। और ये देखिए, मेरी आइसक्रीम थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे, और इसको अब हम स्कूप करेंगे। तो आइसक्रीम को हल्का सा पहले गरम टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद स्कूप करिए। और ये देखिए, बन गया हमारा सबसे हेल्दीएस्ट चॉकलेट आइसक्रीम। इस आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाले आइसक्रीम की तरह होता है, और आप बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें मैंने ओट्स या डेट्स डाला है। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल चॉकलेट आइसक्रीम की तरह लगता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई तो करना बनता है, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आप मुझे ज़रूर से टैग करिए इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपने पिक्चर्स शेयर कीजिए। मैं अपने सारे व्यूअर्स का फीडबैक अपने फेसबुक पेज में शेयर करती हूँ। अगर आप ऐसे और आइसक्रीम्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके साथ मैं एक और नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए एंजॉय करिए इस हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें और हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे खजूर यानी कि डेट्स। तो ये मैंने सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स लिए हैं। मार्केट में आपको कई तरीके के डेट्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स ले लीजिए। अगर आपको बिना सीड वाला मिला तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको सीड्स वाले डेट मिलते हैं तो हम उसका इस तरीके से सीड्स को निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम का एक पैकेट इस तरीके से जो दिखता है वो लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से खजूर ले सकते हैं। तो हम डेट्स के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके डेट्स हार्ड वैरायटी के हैं तो आप उसको कम से कम आधी घंटा गर्म पानी में भिगो कर रखिए, और फिर उसको डिसीड करिए। तब क्या है कि वो जो डेट्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा डेट्स का जो बीजा है वो निकाल दिया हमने। इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम गर्म करेंगे घी। और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे अब कुछ बादाम, और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी इस रेसिपी में आप अपने चॉइस के हिसाब से डालिए। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, जिसमें है काजू और पिस्ता और वॉलनट। तो आपके घर पे जो
जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपलसेशन नहीं कि आपको यही ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है या फिर इतना ही क्वांटिटी लेना है, तो आपके घर में जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम मीडियम फ्लेम में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे एक हल्का क्रंच आने तक, ज़्यादा ब्राउन ना करें वरना ये जल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस हमने इसको क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। अब इसी घी में हम और भी कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और अब इसमें डालेंगे हम किशमिश और इसको भी हल्का ड्राई रोस्ट इसको रोस्ट कर लेंगे। हम किशमिश बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो ये 30-40 सेकेंड्स में रोस्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे वो टाइम लेते हैं इसलिए हमने इसको बाद में रोस्ट किया है। तो उसी घी में आप किशमिश को रोस्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किशमिश कितनी जल्दी से पफ हो रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर भी आ चुका है। तो किशमिश को भी अब हम निकाल लेंगे और इसको हम अलग से निकालेंगे। तो लीजिए हमारा जो किशमिश है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे, आप यहाँ पे कोई जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, और अब हम अपने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स है उनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि हम अपने हाथ से ही बेलन लेकर इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मोटे मोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स को चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से इसको कूट लेंगे तो ये जो है परफेक्ट एकदम साइजेस में हो जाएगा, और जब ये अच्छे से टूट जाए तो इसको हम वापस से उस प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से कूट चुके हैं, और जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको आप एक चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ कुछ बादाम थे जिसको मैं चाकू से काट रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना कूटे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बड़े बड़े पीसेस पसंद है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में हम हल्का सा और घी ऐड कर देंगे, और जो हमारे डेट्स थे हमने जो डीसीड करके रखे हैं डेट्स को भी अब हम हल्का गर्म कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डेट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम डेट्स को कुक करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो डेट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम में बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना जो डेट्स का मिठास है वो भी कम होने लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना कम हो सके उतना कम हम इसको रोस्ट करेंगे, बस जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो डेट्स जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है, और देखिए अब ये एक डो की तरह बन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को, और डाल देंगे किशमिश जो हमने रोस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, फ्लेम को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा करने रख देंगे जब तक कि हम इसके लड्डू नहीं बना पाए। तो सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दीजिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो बड़ी ही जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। तो अब मैं इसको एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर सकूँ।
और इस तरीके से हम अपने हाथों से मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर है वो अच्छे से मिल जाए। और आप इसको एक बर्फ़ी के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आज एक लड्डू बनाऊंगी तो काफ़ी सारे लड्डू बन जाते हैं इसके, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। ना ही इसमें चीनी है, ना ही गुड़ है, ना ज़्यादा मेहनत है, तो परफेक्ट मिठाई है दिवाली में अगर आप कुछ हेल्दी और कुछ शानदार सा बनाना चाहते हैं। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा लड्डू हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ही आप बाकी लड्डू बना लीजिए अपने प्रेफर साइज़ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ नींबू के जितना बड़ा लड्डू बना रही हूँ, और इस मिक्सचर से आराम से आप 22 से 24 लड्डू बना सकते हैं। तो इस दिवाली में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई होती है और आप इसको अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी होती है और मार्केट में लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। तो हमने घर में बहुत ही झटपट से ये लड्डू तैयार कर लिया है बिना मेहनत के और बहुत ही ज़्यादा कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो आप अपने हिसाब से इसमें इन्ग्रीडियंट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से क्वान्टिटी में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहें। चलिए मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।